हाय, मैं हूँ मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि फाइनली रियलमी 13 प्रो और इसका बड़ा भाई रियलमी 13 प्रो प्लस का प्राइस रिवील हो चुका है। रियलमी 13 प्रो में टोटल 2000 रुपये का ऑफ है। इस फ़ोन का फाइनल प्राइस है 25000 रुपये और रियलमी 13 प्रो प्लस में टोटल 3000 रुपये का ऑफ है। इसका फाइनल प्राइस निकल के आता है 29000 रुपये। अब आप लोग यहाँ पर पक्का सोच रहे होंगे कि मैंने तो थंबनेल में लिखा है कि रियलमी 13 प्रो और 13 प्रो प्लस में टोटल 5000 रुपये का ऑफ मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये दोनों फ़ोन में हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3000 रुपये का ऑफ मिलेगा। तो भाई आप लोग यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो रियलमी 13 प्रो में और 13 प्रो प्लस में। अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए 13 प्रो में और 13 प्रो प्लस में 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये का ऑफ कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप सभी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ रियलमी 13 प्रो के बारे में। वैसे देखा जाए तो रियलमी 13 प्रो में ऑफिशियली 2000 रुपये का ही ऑफ है। इसका फाइनल प्राइस निकल के आता है 25000 रुपये। लेकिन दोस्तों, आप लोग स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो नीचे की साइड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है रियलमी 13 प्रो प्लस में एक्स्ट्रा 4000 रुपये का एक्सचेंज में भी ऑफर है। अगर आप लोग यहाँ पर सिंपल एक्सचेंज ऑफर भी लगाते हो तो 4000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनल प्राइस निकल के कितना आता है 23000 रुपये। ऊपर से फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड लगाते हो तो और लगभग 1000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, मतलब कि 1100 रुपये ज़्यादा ही मिलेगा। 1000 रुपये का ही आप लोग यहाँ पर कैशबैक मान के चल सकते हो। तो इस हिसाब से टोटल 5000 रुपये का ऑफ मिलेगा। इस फ़ोन का फाइनल प्राइस निकल के आता है 22000 रुपये के आसपास। वैसे आप लोग मान के चल सकते हो कि बिग विलन डे सेल में इस फ़ोन में हम सभी को एक्सचेंज के साथ 1000 रुपये का तो एटलीस्ट कार्ड ऑफर मिलेगा भी। अगर आप लोग बिग विलन डे सेल का वेट नहीं भी करते हो तो मेरे विचार से आप सभी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफर कब हट जाए इसका यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। तो जिसको भी रियलमी 13 प्रो को बाय करना है, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो अभी आप सभी के लिए बेस्ट मौका हो सकती है। तो जिसको भी रियलमी 13 प्रो को बाय करना है तो अभी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बाय कर सकते हो। और साइज से इस फ़ोन में हम सभी को 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलता भी है इसी बिग विलन डे सेल में। फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड से भी मिल सकता है। मान लो फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड से इस फोन में डिस्काउंट मिलता है, 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में 1000 रुपये या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा कैशबैक भी मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आपको रियलमी 13 प्रो में डिस्काउंट मिलेगा। सेम मेथड आप लोग लगाते हो तो रियलमी 13 प्रो प्लस में भी डिस्काउंट मिलेगा। देखो, इसका भी प्राइस है 32000 रुपये शायद, या फिर 33000 रुपये, जो भी है शायद 32000 रुपये ही है। ऊपर से एक्सचेंज ऑफर लगाते हो तो एक्सचेंज ऑफर लगा के इस फोन को बाई कर सकते हो कितने में, मात्र 28000 रुपये में। फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड लगाते हो तो लगभग और 1400 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो इस फोन का फाइनल प्राइस कितना निकल के आता है 26600 रुपये, मतलब कि 5500 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड लगा के और एक्सचेंज ऑफर लगा के डिस्काउंट ले सकते हो। और बिग विलन डे सेल में फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड से डिस्काउंट भी आता है, मतलब कि कार्ड से डिस्काउंट आता है 3000 रुपये का। फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड से 3000 रुपये का तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ में लगभग 1500 रुपये का कैशबैक भी मिलने वाला है। अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड से डिस्काउंट आएगा तो कार्ड से ही लगभग 4500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आप सभी को बड़ा मुश्किल मेथड बता दिया। हाँ, इजी मेथड से आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा भी नहीं। अब लास्ट में ये सवाल आता है कि क्या आप सभी को रियलमी 13 प्रो को और 13 प्रो प्लस को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर आप सभी को कैमरा के लिए बाय करना है, एक अच्छा लुक वाला फ़ोन चाहिए तो भी आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हो, डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो भी आप लोग बाय कर सकते हो, वैसे परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो आप लोग इस प्राइस रेंज में दूसरे फ़ोन के साथ जा सकते हो। मैं 13 प्रो प्लस का कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसमें दिया गया है 50 MP के साथ ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का दूसरा, तीसरा 50 MP का, 32 MP का सेल्फी कैमरा,
7S Gen 2 प्रोसेसर, कर्व डिस्प्ले और आप सभी को क्या चाहिए। अब मैं 13 प्रो का कैमरा के बारे में बात करूं तो इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है, 50MP का मेन कैमरा, दूसरा 8MP का, तीसरा 2MP का, 32MP का, इसमें भी सेल्फी कैमरा, कर्व डिस्प्ले, 7S Gen 2 प्रोसेसर, तो ये दोनों फ़ोन के साथ आप लोग जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया कि अभी और इसी बिग बिलियन डे सेल में रियलमी 13 प्रो में और रियलमी 13 प्रो प्लस में 5,000 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट आप लोग कैसे ले सकते हो। अगर आप सभी को ये वीडियो जरा से भी पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सेटा था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।